ये मौत के सौदागरों को बचाने के लिए उनको कहते बंदी सिख, मौत के सौदागर बंदी सिख। और जो 36,000 लोगों का कत्लेआम कर दिया, बहनों के सुहाग उजाड़ दिए, बच्चे यतीम कर दिए, खून की नदियां बहा दी, और पुलिस स्टेशन के तो बॉडी पे बॉडी, बॉडी पे बॉडी जानवरों की तरह रखी गई, वो हमने अपनी आंखों से देखी है। धर्म के ठेकेदार बनके सबको डराने की कोशिश करते हैं। क्या ऐसे देश चलेगा, ऐसे पंजाब चलेगा? पंजाब के हालात खराब है बिल्कुल है, पर उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार तो हम लोग हैं। जो खमियाजा हमने पहले भुगता पंजाब के अंदर, 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ, जिनके हाथ में बंदूक नहीं थी, जिनके हाथ में कृपान नहीं थी, जिनके हाथ में तरतूल नहीं थी, किसके हाथ में डंडा नहीं था। ये नए शहर के बस निकली थी, निकाल करके सबसे पहले जिस सरदार के सिर पे पगड़ी भी नहीं थी उसको लाइन में खड़ा करके हिंदू समझ के गोलियों का निशाना बना दिया था। क्या वो बेटे बकरियां थे? मैं इनको सवाल पूछना चाहता हूँ। ये मौत के सौदागरों को बचाने के लिए उनको कहते बंदी सिख, मौत के सौदागर बंदी सिख, इज्जत से योद्धे, महान योद्धे। और जो 36,000 लोगों का कत्लेआम कर दिया, बहनों के सुहाग उजाड़ दिए, बच्चे यतीम कर दिए, खून की नदियां बहा दी, ट्रेनों से बच्चों से निकाल करके 50-50 लोगों को नीचे, हमने डीजल पेट्रोल नहीं खून टिपटे दिखा है, अस्पतालों के अंदर और पुलिस स्टेशन के तो बॉडी पे बॉडी, बॉडी पे बॉडी जानवरों की तरह रखी गई, वो हमने अपनी आंखों से देखी है। वो तो हो गए बेटे बकरियां, और AK-47 लेके मारने वाले, नेहथों के ऊपर गोलियां चलाने वाले हो गए। सोशल मीडिया चंद चंद सोशल मीडिया ने बना दिया योद्धे, महान योद्धे। ये सिख धर्म का इतिहास नहीं था, सिख धर्म का इतिहास था, है, रहेगा मानवता की रक्षा। ये लोग सिख कौम के दुश्मन हैं। समस्या सबसे बड़ी ये है, बोलने को कोई तैयार नहीं। पहले भी वोट चाहिए थी, वोट सत्ता की खातिर पंजाब बर्बाद हुआ, और आज भी वोट और सत्ता की खातिर ये पंजाब फिर तबाही के रास्ते पे ले जा रहे हैं। चंद धर्म के ठेकेदार, चंद धर्म के ठेकेदार जिनको बाहर से फंडिंग आती है, और हम राजनीतिक लोग, कोई राजनीतिक पार्टियों को इकट्ठा होना चाहिए। क्यों खत्म हुआ आतंकवाद? जब कांग्रेस, बीजेपी, CPM, RSS, अकाली दल का कुछ था, एक मंच पे इकट्ठा हुआ, हमें अमन शांति चाहिए, हमें कुर्सी सत्ता नहीं चाहिए, हमें राष्ट्र चाहिए, हमें पंजाब की सिक्खी पवित्र चाहिए, तो अमन शांति हुआ। हम फिर उस तरफ लेके जा रहे, एक भी शख्स बोलने को तैयार नहीं है, तो कहाँ जाएगा पंजाब?